फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोरा एजुकेशन। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। पता है वो क्या है टॉपिक? आप प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए है। अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश में बात करना है किसी से, लेकिन वो इंसान अनजान है, अजनबी है, ठीक है। मान लीजिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपके साथ कोई और इंसान है जिसको देखकर आप सोच रहे हो कि मुझे इससे बात करनी चाहिए। आप करीब 3-4 घंटे से उसके साथ सफर कर रहे हो और आपका मन कर रहा है कि यार इससे बात करने का बहुत मन कर रहा है, कैसे बोलूं, ये बुरा तो नहीं मान जाएगा, इसको बुरा तो नहीं लगेगा, ठीक है। वो भी सोच रहा है अंदर से, उसको भी कुछ ऐसा लग रहा है यार सामने वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है पर्सन, ओके। तो अब आप क्या करोगे ऐसे टाइम में? क्या आप ऐसे डायरेक्टली बोल दोगे क्या कि ए हेलो आपका नाम क्या है? अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा मतलब सीधा साधा इंसान रहेगा तो बता देगा अपना नाम। लेकिन अगर आपको थोड़ा स्मार्टली आपको पूछना है, आप किसी से देखो, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, आई बात समझ में? तो आप जो है कोई भी चीज़ किसी को पहली बार मिल रहे हो तो सीधी सी बात है कि जरा आपको डिसिप्लिन रहना होगा, ठीक है। तो अभी पॉइंट पे आ जाते हैं हम। तो फर्स्ट टाइम आप सोच रहे हो कैसे बात करूं, कहां से शुरू करूं, सोच रहे हो क्या करूं, बहुत आपके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब सुनो, आप बहुत पोलाइटली आप उसको बोलो। पहले आपको ना उसका इजाजत लेना होगा कि क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूं, अगर जान सकता हूं तो ठीक है आप बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं। आई बात समझ में? देखिए, आपको अगर बोलना रहेगा, जानना चाहते हो ना आप, तो आप बोलोगे आपने शुरू किया, आपको बहुत डर लग रहा है यार कैसे बोलूं, कहां से शुरू करूं। अगर वो लड़की है तो और टेंशन, चलो फिलहाल यहां पर लड़का है और आप भी लड़के हो, ठीक है। तो आप बोलोगे एक्सक्यूज मी, पहले आप बोलोगे एक्सक्यूज मी, या आप बोलो आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, या बहुत वो थोड़ा आपसे बहुत आपसे एज में बड़ा है तो आप बोलोगे एक्सक्यूज मी प्लीज। ध्यान रहे, एक्सक्यूज मी के साथ प्लीज बोलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एक्सक्यूज मी प्लीज, तो वो तुरंत आपको देख के बोलेगा। और सुनो, मान लो आपको किसी ने एक्सक्यूज मी प्लीज बोला, तो आप झट से देख कर ऐसे मत बोल दो, हाँ भाई क्या बात है, ये तो गलत है, ये अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा रूड है। आप देख के बोलोगे यस प्लीज, जैसा सामने वाला बोल रहा है आप वैसे ही बेहतरीन जवाब दीजिए। उसने बोला एक्सक्यूज मी प्लीज, तो आप क्या बोलोगे? यस प्लीज, अंडरस्टूड? तो वो अजनबी इंसान से आपने क्या बोला? एक्सक्यूज मी, या आपने बोल दिया एक्सक्यूज मी प्लीज, ठीक है। तो वो इंसान आपको बोलेगा यस प्लीज। अब आप बोलोगे, देखिए मैं यहाँ पर क्या सिखा रही हूँ, किसी अजनबी से बात की शुरुआत कहाँ से करनी है और उसके अंदर क्या बातें चल रही है वो मैं नहीं बता रही हूँ, वो आप बातें करते जाओ, ठीक है। लेकिन बिगनिंग हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने बोल दिया एक्सक्यूज मी, उसने बोल दिया यस प्लीज। अब आप बोलोगे इफ यू डोंट माइंड मे आई नो योर नेम प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, ओके, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे तो मे आई नो योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ कृपया, ठीक है। आपने ऐसा क्वेश्चन किया तो वो क्या, उसका क्या जवाब होना चाहिए? अगर वो देखो आपने इतना प्यार उसको बोला था एक्सक्यूज मी प्लीज, उसने भी बोला था यस प्लीज, और आपका कई कब से बात करने का मन कर रहा है उससे, तो डेफिनेटली अपना नाम तो बताएगा ही, आप इतने प्यार से पूछे हो, तो वो क्या बोलेगा? झट से नाम नहीं बताएगा, ठीक है। वो बोलेगा कि आपने पूछा इफ यू डोंट माइंड मे आई नो योर नेम प्लीज, अब उधर से जवाब आएगा यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, ओके, इट वुड बी माय प्लेजर, हाँ बिल्कुल बेशक क्यों नहीं, ये मेरे लिए खुशी की बात होगी, ठीक है। एक्सक्यूज मी, देखिए फिर से ध्यान दीजिए, एक्सक्यूज मी प्लीज, यस प्लीज, If you don't mind, may I know your name, please? Oh yes, why not? It would be my pleasure. By the way, I am Rohan. अब वो अपना नाम तुरंत बता के तुरंत आपका भी नाम पूछेगा, बोलेगा By the way, I am Rohan. And you? मतलब वो अभी आपसे पूछ रहा है, अपना नाम बताया, अभी आपसे पूछेगा And you? इसके बाद यहाँ से बातों का सिलसिला चालू हो जाता है,
ठीक है, आपने भी अपना नाम बता दिया, फिर आप पूछोगे वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू गोइंग, वो बोलेगा जहाँ उसको जाना है वो बताएगा, फिर आप भी वो आपसे भी पूछेगा कि एंड यू, तो आप अगर आप भी सेम प्लेस पर जा रहे हो तो बोल दोगे आई टू। मान लो उसने बोल दिया आई एम गोइंग टू मुंबई, एंड यू मतलब मैं तो मुंबई जा रहा हूँ और तुम कहाँ जा रहे हो, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि आई एम गोइंग टू मुंबई एंड वेयर आर यू गोइंग, ऐसे नहीं, वो सिर्फ बोल देगा एंड यू, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब और तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि इसके जस्ट पहले का क्वेश्चन वही था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हर किसी से कोई अजनबी से बात की शुरुआत कैसे करेंगे, एक्सक्यूज मी प्लीज। ठीक है, मान लीजिए आप रोज वॉकिंग पे जाते हो, तो एक लड़का है जो आपका नाम रोहन है, उसका नाम रोहित है, ठीक है, तो आप जो रोज जाते हो गार्डन में वॉक करने के लिए, ठीक है, तो अब आप सोचते हो यार ये कोई कॉलेज बॉय है ऐसा, उससे आज बात करता हूँ, तो आप बहुत दिन से सोच रहे हो, ठीक है, तो आप वहाँ पर भी सेम ऐसे ही आप बोल सकते हो एक्सक्यूज मी, मान लीजिए वॉक कर रहे हैं उसके पीछे पीछे हो या थोड़ा आगे पीछे हो या जैसे भी उसके पास ही रहोगे ना थोड़ा, ताकि वो आपकी बात सुन सके, आप बोलोगे एक्सक्यूज मी प्लीज, तो बोलेगा यस प्लीज, सेम ऐसे ही बात शुरू करोगे आप। इफ यू डोंट माइंड कभी भी किसी के बारे में जिसको आप नहीं जानते हो, वहां पर आप जो भी कुछ पूछोगे ना, याद रखने की चीज ये है कि आपको ये बोलना है इफ यू डोंट माइंड मे आई नो, क्या जानना चाहते हो वो आगे मेंशन कर दो, ठीक है, लेकिन बिना इजाजत जाने, मतलब अगर आपको बुरा ना लगे तो ये कहना आपको जरूरी है इन इंग्लिश, अंडरस्टूड। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, और फिर मैं आपको कुछ ऐसा है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कुछ अच्छी चीजें लेकर आने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।